Now let us finally discuss about the definition of Fourier series. So Fourier series is a representation of periodic signal in terms of sinusoidal. It gives us frequency domain representation that is useful for analyzing the frequency content and steady state output of a network. तो आइए सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को आपको लिखवा देता हूं ताकि आपको याद रहे. So Fourier series is the representation of periodic signals in terms of sinusoidals. In terms of sinusoidal, it gives us frequency domain representation. It gives us frequency domain representation that is useful for analyzing the frequency content, and steady state output of network. तो ये इसकी डेफिनेशन है. फोरियर सीरीज इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स इन टर्म्स ऑफ सिनुसॉइडल. अब हमारे पास जो पीरियोडिक सिग्नल होगा वो हमारे पास किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, हमारे पास पीरियोडिक होना चाहिए. तो उसको हम किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, इन टर्म्स ऑफ सिनुसॉइडल. इट गिव्स अस फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन. तो बेसिकली फोरियर सीरीज हमें जो रिप्रेजेंटेशन देता है वो कहाँ पे देता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में. अच्छा, बींग एज इंजीनियर हमें क्या चाहिए, अगर मैं सिग्नल सिस्टम की एप्लीकेशन की बात करता हूँ, जब हम इसको यूज करेंगे ना कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो बीइंग एज ए इंजीनियर मुझे सिर्फ दो चीज़ों में इंटरेस्ट होता है. एक हमारे पास क्या होती है, पावर होती है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, बैंडविड्थ होता है. तो दोस्तों बैंडविड्थ को आप टाइम डोमेन से पता नहीं लगा सकते, इसके लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना पड़ेगा. इसलिए फोरियर ने ये टूल हमें यहाँ पे दिया है. सो इट गिव्स अस फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन दैट इज यूजफुल फॉर एनालाइजिंग द फ्रीक्वेंसी कंटेंट एंड स्टडी स्टेट आउटपुट ऑफ नेटवर्क. अब इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं. अगर देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो फोरियर सीरीज हमारे पास है, फोरियर सीरीज को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. जो पहली टाइप हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास कॉन्टीन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज. फर्स्ट वन इज फोरियर कॉन्टीन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज. और जो सेकेंड टाइप हमारे पास है वो हमारे पास है डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज. और जो कॉन्टीन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज है उसको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं दो कैटेगरी में. एक हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज और दूसरा हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज. तो दोस्तों इसको भी हम ब्रेक कर देंगे दो पार्ट में. तो एक हमारे पास होगा, फर्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज और जो सेकेंड हमारे पास टाइप है वो होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज. ठीक है, तो आपके गेट के पेपर की अगर मैं बात करता हूँ, पीएसओ की बात करता हूँ, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारे एग्जाम में तीनों से क्वेश्चन आया हुआ है. ट्रिग्नोमेट्रिक से भी आए हुए हैं, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज से भी हमारे पास क्वेश्चन आया है. इसके अलावा दोस्तों एक फॉर्म हमारे पास और भी होती है, उसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म. तो डू नॉट वरी, वो भी मैं आपको कराऊंगा. लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहीं से आते हैं. कॉन्टीन्यूअस में या तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक से पूछेंगे, या फिर वो किससे पूछेंगे, कॉम्प्लेक्स से, या फिर वो किससे पूछते हैं, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज से. अब यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टीन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज. तो दोस्तों जो कॉन्टीन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज होती है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक हमारे पास क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और एक हमारे पास क्या होता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल. अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है ना कि प्रैक्टिकली कौन सी यूज होती है, तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, प्रैक्टिकली जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास कौन सी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज. और ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज होती है ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, इसको सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, थोड़ी सी आसान हो जाए. इसके बाद हम बात करते हैं कि हम फोरियर सीरीज को यूज क्यों करते हैं. अब ये जो मैं आपको फोरियर सीरीज पढ़ा रहा हूँ ये मैं आपको सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट के अंडर पढ़ा रहा हूँ.
तो इसकी जो एप्लीकेशन होती है वो हमारे पास कहाँ पे होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो सबसे मेन कंसर्न रहता है ना, वो रहता है नॉइस का। अगर आपने किसी ने कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा हो या फिर जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उनको पता है कि जब कभी भी हम नॉइस कलोशन करते हैं तो वहाँ पे हम हमेशा मान के चलते हैं कि हमारे पास जो चैनल है वो हमारे पास क्या है, AWGN चैनल है, मतलब एडिटिव वाइट गोज़ इन नॉइस। तो हम ये मान के चलते हैं कि चाहे हमारे पास AM हो, FM हो, इवन इन डिजिटल कम्युनिकेशन, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो नॉइस है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक रहेगी। और देखो, जब कोई भी सिस्टम जो है अगर वो वेल डिफाइन होता है तो उसका एनालिसिस करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास जो नॉइस है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, फिक्स है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ। सो नॉइस इज ए सिग्नल विच हैज फिक्स्ड एम्पलीट्यूड बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ frequencies, but infinite number of frequencies. So, 4A, so 4A signal like noise, we required a mathematical tool that can express it in an infinite series. तो दोस्तों, मैं यहां पे जो एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं कि हम इसको यूज क्यों करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ से जो है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन है ना सिग्नल सिस्टम की, वो कहाँ पे है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम में है। तो अगर आपने कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा है, नहीं तो मैं आपको कुछ टाइम के बाद कम्युनिकेशन सिस्टम ही पढ़ाऊंगा यहाँ पे ऑनलाइन जो है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा AWGN चैनल। तो ये जो चैनल हमारे पास होता है ना AWGN चैनल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिटिव वाइट। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइस चैनल, ठीक है। और अगर आपने, जब मैंने आपको रैंडम वेरिएबल में इसकी PSD भी पढ़ाई थी नॉइस परफॉर्मेंस में, तो आपने ध्यान दिया होगा कि इसकी जो PSD होती है हमारे पास वो क्या होती है, फ्लैट होती है। तो ये हमारे पास कितनी थी, हमारे पास eta/2, ये हमारे पास 0, और एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होती है, एफ होती है। सो दिस इज नथिंग बट PSD, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो PSD हमें क्या बताती है, PSD हमें ये बताती है कि हाउ द टोटल एवरेज पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, ये जो हमारे पास eta/2 हाइट आ रही है, फिक्स आ रही है ना, ये आपके पास फिक्स कब आएगी, ये आपके पास फिक्स एक ही कंडीशन में आ सकती है कि जब आपके पास जो नॉइज सिग्नल है, ठीक है, आपके पास जो नॉइज सिग्नल है उसका क्या होगा, फिक्स एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। क्योंकि हमने सिग्नल सिस्टम में आपको ये पढ़ाया हुआ प्रीवियस वीडियो में कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल होता है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट सिग्नल की हमारे पास जो पावर आती है वो हमारे पास क्या आती है, A² हमारे पास आती है। इसका मतलब ये है कि ये PSD आपके पास तभी आ सकती है जब आपके पास जो नॉइज सिग्नल है उसका आपके पास क्या होगा, फिक्स एम्पलीट्यूड हमारे पास होगा। अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास एम्पलीट्यूड तो फिक्स है लेकिन फ्रीक्वेंसीज हमारे पास अलग अलग है ना, 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz। तो हमें एक ऐसे टूल की जरूरत थी जो नॉइज जैसे सिग्नल को क्या कर सके, इनफाइनाइट सीरीज में एक्सप्रेस कर सके। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, फोरियर सीरीज को। तो फोरियर सीरीज का यूज यहाँ पे भी है, इवन इन डिजिटल कम्युनिकेशन और इन दिस नॉइज परफॉर्मेंस। तो नॉइज परफॉर्मेंस में भी हम क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन सिस्टम में हम नॉर्मल सिग्नल यूज नहीं करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में जब कभी भी नॉइज का कंसर्न आता है, इन डिजिटल कम्युनिकेशन, आप चाहे सैटेलाइट में चले जाइए, आप चाहे वायरलेस कम्युनिकेशन में चले जाइए, आप चाहे मोबाइल कम्युनिकेशन में चले जाइए, हम वहाँ पे जो सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे जो सिग्नल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल सिग्नल होते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्थोगोनल सिग्नल होते क्या हैं, लेकिन उससे पहले जो अब यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट निकल के आती है वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। सो फाइनली फोरियर सीरीज इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोज्ड सेट ऑफ
फोर ईयर सीरीज इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोज सेट ऑफ इनफाइनाइटली म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिग्नल्स, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिग्नल्स। तो इस डेफिनेशन को हम याद रखेंगे कि हमारे पास जो फोरियर सीरीज होती है वो हमारे पास क्या होती है, लीनियर कॉम्बिनेशन होती है क्लोज सेट ऑफ इनफाइनाइट म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिग्नल्स। तो अभी मैं आपको ना ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का पूरा डेरिवेशन कराऊंगा, और वो जो डेरिवेशन है वो सिर्फ इसी डेफिनेशन से ही एक्सपेंड होता है। तो इस डेफिनेशन को आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद हम ऑर्थोगोनलिटी को डिस्कस करते हैं। तो ऑर्थोगोनलिटी की जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, ऑर्थोगोनल मीन्स वन वेक्टर हैज जीरो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अदर। आप सभी ने 11th क्लास में मैथमेटिक्स में वेक्टर्स पढ़े होंगे, तो वहाँ पे अगर मैं वेक्टर के टर्म्स में ऑर्थोगोनलिटी बताना चाहूँ तो कोई भी दो वेक्टर हमारे पास ऑर्थोगोनल कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा टू वैक्टर्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल वैन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। आप किसी भी दो वैक्टर को ऑर्थोगोनल कह सकते हैं अगर उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या, जीरो है। नाउ इफ यू वॉन्ट टू ओपन दिस, अगर आप इसको ओपन करते हैं सो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू में जीरो, और थीटा आपके पास कितना आ गया यहाँ पे, पाई बाय टू आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन हम किस में डिस्कस करते हैं, ये कंडीशन हम डिस्कस करते हैं वेक्टर टर्म्स में। लेकिन अब यहाँ पे तो हम जो सिग्नल यूज कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, सिग्नल है। तो सबसे पहले मैं आपको सिग्नल की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ कि कोई भी सिग्नल्स में ऑर्थोगोनलिटी हमारे पास होती क्या है। सो आई कैन से दैट, इस डेफिनेशन को आप याद भी रखेगा, टू सिग्नल्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल when they are in phase quadrature, when they are in phase quadrature and area under the curve of product of two orthogonal signals over a full period is always equals to zero, always equal to zero। तो ये हमारे पास डेफिनेशन किस में आती है, अगर हम बात करते हैं ऑर्थोगोनलिटी के सिग्नल्स की, तो इस डेफिनेशन से मैं कह सकता हूँ कि ओवर ए फुल पीरियड टी एक्स वन ऑफ टी इंटू में एक्स टू ऑफ टी, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है तो अगर हम उसका एरिया लें इंटीग्रेशन, तो ये किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास बराबर आएगा जीरो के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस डेफिनेशन को डिस्कस कर देता हूँ। टू सिग्नल्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल, आप दो सिग्नल को क्या कह सकते हैं, ऑर्थोगोनल कह सकते हैं। टू सिग्नल्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल वेन दे आर इन ए फेज क्वाड्रेचर। फेज क्वाड्रेचर का मतलब क्या है कि उनके फेज में कितने का डिफरेंस होगा, 90 का, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 90 डिग्री का हमारे पास डिफरेंस होना चाहिए। एंड एरिया अंडर द कर्व ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल फंक्शंस ओवर ए फुल पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली आपका रिप्रेजेंट करता है एरिया को। तो कोई भी दो सिग्नल आपके पास ऑर्थोगोनल कब कहलाएंगे, जब उनके बीच में कितने डिफरेंस हो, 90 डिग्री का डिफरेंस हो, और उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ओवर ए फुल पीरियड ऑफ टी वो हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका जो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ये है कि ओवर ए फुल पीरियड ऑफ टी आई कैन से दैट दिस इज साइन ओमेगा टी इंटू दिस इज कोस ओमेगा टी इंटू में जी टी, ये हमारे पास क्या रहेगा, जीरो हमारे पास रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है हमारे पास, 90 का डिफरेंस है, और ओवर ए फुल पीरियड ये हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, जीरो हमारे पास रहेगा। तो इसको आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नाउ इन वन टाइम इन वन इंटरव्यू दे आस्क वन क्वेश्चन, एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया था, कैन टू कोसाइन सिग्नल्स बी ऑर्थोगोनल, क्या दो कोसाइन सिग्नल किसी भी कंडीशन के लिए ऑर्थोगोनल हो सकते हैं,
कहने का मतलब ये कि ओवर ए फुल पीरियड टी, मान लीजिए एक सिग्नल हमारे पास है कोस ओमेगा वन टी और जो दूसरा सिग्नल है वो हमारे पास है कोस ओमेगा टू टी इंटोमेरी टी, क्या ये ऑर्थोगोनल हो सकते हैं किसी भी कंडीशन के लिए? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप इसके फेस को चेंज कर दें यहाँ पे, ये आपके पास क्या ओमेगा टू ऑफ टी है ना, अगर आप इसको चेंज कर दें ओमेगा वन टी प्लस में आपके पास 90 अगर आप कर दें तो वो आपके पास क्या बन जाएगा साइन। तो आपको पता है साइन इंटो में कॉस ओवर ए फुल पीरियड आपके पास क्या रहेगा जीरो रहेगा।